हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि आपका ये नवंबर का मंथ कैसा जाएगा। सो ये है हमारी लिब्रा के लिए, यानी कि तुला राशि वालों के लिए सन मून राइजिंग। सो वी विल बी चेकिंग कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर फॉर लिब्रा, एंड देन वी विल सी कि आपके करियर में क्या होगा। वाओ, ब्रेक थ्रू, रिसेप्टिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। सो इफ़ आई टॉक अबाउट तुला राशि के लोग, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको बहुत बड़ा कोई जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, कहीं पे अगर किसी ने पर्सन ने आपको चीट किया, उन्होंने आपको घोस्ट किया, उन्होंने आपको एक्सप्लॉयट किया, फॉर ग्रांटेड लिया, वट एवर इट मे बी, आपको बहुत बड़ा जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। एंड इट्स नॉट जस्ट योर रोमांटिक रिलेशनशिप, इट इज़ अबाउट अदर पीपल ऑल्सो, बिकॉज आई डू फील कि हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग रहे हों जिन्होंने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है, आपके इमोशनल नेचर का बहुत फ़ायदा उठाया है, आपको मैनिपुलेट किया है, अपने तरीके से चलाने की कोशिश की है, बट नॉट एनी मोर। अब वो उसमें एक बहुत मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है, बहुत बड़ा चेंज। आपके जो रिश्ते होंगे ना, अब चाहे कम लोग होंगे बट सही रिश्ते होंगे, पहले बहुत लोग थे बट सब गलत रिश्ते थे। सो दैट लेवल का चेंज आपकी लाइफ में इज़ कमिंग। ओके, चेंज का कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। सो इट्स लाइक यूनिवर्स इज़ जस्ट सेइंग कि जस्ट बी रिसेप्टिव इस गिफ्ट को लेके, इस अबंडेंस को लेके, इन ब्लेसिंग्स को लेके एकदम आपको रिसेप्टिव एनर्जी में रहना है कि येस, दिस इज़ द टाइम, द ओनली मैथ्स दैट यू नीड टू डू इन द मंथ ऑफ नवंबर इज़ टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। और कोई मैथ्स नहीं करना आपको, बाकी सब यूनिवर्स देख लेंगे, सब यूनिवर्स हर चीज़ का ध्यान रख लेंगे। ओके, एंड जस्टिस का कार्ड आया है, ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है, जो होता ही तुला राशि का कार्ड है, लिब्रा का कार्ड है, तो आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होने वाली हैं इस मंथ में। लेट्स सी आपके करियर में क्या होने वाला है। सो वी हैव स्पिरिचुअल यूनियन ट्रैप्ड इन फियर, मेमोरीज ऑफ लॉस एंड यूनिवर्स। वाओ, सो करियर की अगर मैं बात करूँ, फाइनली इट्स लाइक अब आप चीज़ों को लेट गो कर रहे हो। ठीक है, इट्स लाइक जब हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, तो हम पास्ट ही बस अच्छी चीज़ों को ही अपनी मेमोरी में रखना चाहते हैं कि हाँ, इस पर्सन ने अच्छा किया, इस पर्सन ने वैसा किया, बट दैट डजेंट मीन कि अब आप उन पास्ट के लोगों को एंटरटेन करोगे। सो उस टाइप की एक मेच्योरिटी आती हुई दिख रही है, एंड ये मेच्योरिटी आपके काम को बहुत अच्छे से, यू नो, इट्स लाइक आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है वो डायरेक्टली हमेशा कनेक्टेड होता है आपके बिजनेस को लेके, आपके करियर को लेके। एंड बिकॉज आपकी पर्सनल लाइफ में अच्छे चेंज आ रहे हैं, तो आपके करियर में ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। एक कहीं ना कहीं मुझे पीस वाली सिचुएशन भी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ना कमाओ, हो सकता है आप बहुत अच्छा परफॉर्म ना करो या कुछ भी ऐसा, लेकिन आप अपने आप से एकदम सेटिस्फाइड रहोगे, आप अपनी लाइफ से एकदम सेटिस्फाइड रहोगे, आप एकदम पीसफुल वाली सिचुएशन में रहने वाले हो। ओके, तो आपके करियर में एक वो चीज़ मुझे दिख रही है। और दूसरा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई एक ऐसे पर्सन हैं जो आपके करियर को लेके आपको बहुत गाइड करेंगे। ओके, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप अपने करियर में बहुत अच्छा एक ऐसे लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर, जो आपके करियर में आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपको अच्छे के लिए गाइड करेंगे, अपनी जेलसी, कंपैरिजन, एनवी की वजह से आपको डिविएट नहीं करेंगे, आपको एक सही दिशा दिखाएंगे, आपको एक सही ट्रैक दिखाएंगे। सो नाउ यू डोंट हैव टू बी इन दैट फियर कि कोई मेरा नुकसान ना कर दे या कुछ ऐसा। आप अपने एक्शंस की वजह से, अपने अच्छे कर्मास की वजह से या अपने कर्मों की वजह से आप अपनी लाइफ में काफ़ी सपोर्टिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशनल लाइफ, व्हेन इट कम्स टू योर करियर। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।